Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where in my house and the when what wears, there's but one place worthy Achala Bharati. There's but one place worthy Achala Bharati. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun, brought to you by Achala Bharati Trust. మృగమీన సజ్జనా తృణజల సంతోష విహిత వృత్తి లుబ్ధకధీవర పిశునా నిష్కారణమేవ వైరిణో జగతి. మృగమీన సజ్జనానాం తృణజల సంతోష విహిత వృత్తీనాం లుబ్ధక ధీవర పిశునా నిష్కారణమేవ వైరిణః జగతి. तो आज बच्चों एक और सुभाषित सुनने का वक्त है, तो चलिए इसका तात्पर्य समझते हैं। इस सुभाषित में हिरण, मछली और सज्जन अपना अपना जीवन कैसे बिताते हैं इसके बारे में लिखते हैं। मृग यानी हिरण, तो बच्चों ये हिरण जंगल में क्या करता है? ये हिरण जंगल में मौजूद सूखी घास वगैरह खाकर किसी को कष्ट दिए बिना अपना काम करता है कि नहीं? और मीन यानी मछली, मछली जल में रहती है, जल में अपना गुजारा करती है और जल में मिलने वाला खाना खाकर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है। अंत में सज्जन, सज्जन कौन होते हैं बच्चों? सज्जन वो लोग हैं जो सभी का अच्छा सोचते हैं और कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं और हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं। लेकिन बिना कारण इन तीन अलग अलग प्राणी या लोगों को बुरे लोग तंग करते रहते हैं और शत्रु बन जाते हैं। तो कौन है ये लोग जो इनके शत्रु बनते हैं? लुब्धक, लुब्धक यानी शिकारी या हंटर, ये बिना कोई वजह के हिरण का शिकार करता है और इससे अपना गुजारा करता है। धीवर यानी मछली पकड़ने वाला, ये भी अपनी मतलब के लिए मछली पकड़कर और फिर उसको बेचकर अपना गुजारा करता है। अंत में पिशुना यानी बुरा सोचने वाले लोग, गंदी सोच रखने वाले लोग, ये हमेशा अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं। इस दुनिया में हमारी गलती हो या ना हो, कुछ लोग हमेशा तंग करते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छा है ना बच्चों, आपको ये सुभाषित अच्छा लगा होगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नई सुभाषित के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा YouTube चैनल अचल विस्मयलोका पर कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।